नहीं देखो देखो सब वहां से घूम के आएंगे। मैं रुको जगह जाके आता हूँ। मैं रुको ना, यहाँ पे मोबाइल से फोटो खींचते हैं।
अरे वाह, ऑनर को झरना तो मस्त लग रहा है। वाह, अरे देखो झरना, देखो झरना, मुझे हिलाना मत, ठीक है? नहीं तो कैमरा नीचे गिर जाएगा, उधर उधर नीचे गिर जाएगा, मुझे मत हिलाना, ठीक है? वाह, क्या मस्त लग रहा है रे। अच्छा लोग मिलेंगे। और दे ए संभल के चढ़ना उधर। ये देखो पहाड़ के ऊपर में घर। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। और देखो झरना, एकदम क्लोज से गया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया की। हिलाना मत मुझे, नहीं नहीं पता है, नहीं तो मोबाइल मेरा गिर जाएगा नीचे। नजदीक से देखोगे, जाना नजदीक से देखोगे, इसका वीडियो निकाला मैंने। वहाँ पे कोई नहीं जा सकता क्या? मेरा बहन है वहाँ पे जाना। क्या बहन लग रहा है रे। Thank you.
इधर से रोड है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज के रेसिपी में मैंने क्या लिया है। तो आज मतलब ब्रेकफास्ट आज हम लोग यही बनाने वाले हैं। इधर मैंने पानी लिया है और इधर मैंने सारे चीज़ कट कर लिया है। ये केबिज है और ये ऑनियन है और ये टोमेटो है और उधर कटा हुआ चिल्ली है, ठीक है। और इधर कुछ मसाले हैं, देख लीजिए, वो कश्मीरी चिली है, हल्दी है, नमक है, मसाला है। और ये तेल लिया है मैंने, इसको बनाने वाले हैं उसके लिए। और ये इधर हुआ आटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें डाल देंगे और मिला करके इसको अच्छा सा मतलब पेस्ट बनाएंगे, थिक पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा, तो और बनाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ये सब इसमें लगा दे रही हूँ। ये केबिज है, ये टोमेटो, ये कटी हुई चिल्ली, और ये हुआ ऑनियन। ये बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बाबू को भी ये बहुत पसंद है, वो भी बहुत खाता है ये, क्योंकि इसमें वेजिटेबल वगैरह भी ऐड हो गया। इसको मैं सिर्फ शो के लिए रखी थी फ्रेंड्स, तो उसको नहीं मिलाऊंगी। और ये देखिए इधर मसाले हुए, ये सब मैं लगा दे रही हूँ। और अभी ये देखिए इसमें पानी है, अभी इसमें मतलब पानी डाल देती हूँ। तो पानी आप आराम आराम से डालोगे, एक बार में से पानी नहीं डालोगे, नहीं तो ये है ना पेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो फिर अच्छा से नहीं बनेगा ये छिलका रोटी। तो अब मैं जैसे थोड़े थोड़े डाल रही हूँ ना, ऐसे ही डालिएगा। ये तो सब लोग के घर में बनता ही होगा। क्यों कट कर देगा? तो देखिए कितना सुंदर कलर है, देखिए। ये तो सबके घर में बनता होगा, ये बहुत ही अच्छा लगता खाने में। ये देखिए आप लोग इसमें और भी सारी चीज वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, तो ऐसे कुछ नहीं है, केविज ही डाल सकते हो, बाकी कुछ भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए और थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ठीक हो गया, अभी और थोड़ा सा पतला करेंगे। हाँ ये ठीक है, ये इस टाइप का होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया, अभी मैं ये को तवा को चढ़ा देती हूँ। फ्रेंड्स तो देखिए तवा गर्म हो गया, अब इसके ऊपर में मैं तेल लगाऊंगी। देख लीजिए मैं तेल लगा रही हूँ इसमें, और इधर जो मैंने बनाई हूँ ना ये बेटर, तो अभी इसमें लगाऊंगी मैं। मुझे हाथ में ही, हाथ से ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो आप लोगों के पास जो है आप उससे लगा सकते हो। देख लीजिए आप इसको ऐसे करो तो ये अच्छी तरह से फैल जाएगा। मुझे ना हाथ से ही अच्छा लगता, कंफर्टेबल लगता मतलब। इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। तो इसी तरह अच्छी तरह से आप लोग भी ऐसे फैला लोगे। तो देखिए हो गया है ये।
तो देखिए इसको मैं पलट के देख रही हूँ कि पका है कि नहीं। नहीं हुआ है अभी, थोड़ा सा और समय लगेगा। ये ऊपर साइड भी तेल लगा सकते हो, देखिए मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरह अच्छे तरह से पलटा लेंगे। ये देखिए ऊपर साइड का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। तो अभी इसको पलटा देते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा बना है। अभी वो साइड पकेगा तो फिर ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इसको इधर पलटा के देख रही हूँ हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, थोड़ा सा और टाइम लग गया। तो आप इसको है ना बीच बीच में देखिए, देखते रहिए आप इसको, ऐसे ही नहीं छोड़िए। तो अभी पलटा के देख रही हूँ मैं। वाह देखिए कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर आया इसमें से। देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको चटनी के साथ सर्व करो या फिर ऐसे चाय के साथ भी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स तो ये देखिए पक गया है अच्छी तरह से, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें से। और इधर देखिए इधर भी पक गया है, तो इसको उतार देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरह बारी बारी से सारे को बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह बारी बारी सभी को बना लेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा बन के रेडी हो गया है और मैंने सर्व भी कर लिया है। और इसको मैंने टोमेटो सॉस के साथ मैंने सर्व किया है। और ये देखिए आज का ब्रेकफास्ट यही होने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा तरह से पका है। तो देख लीजिए कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी, आपको आज का ब्रेकफास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।
हमारे नीचे का व्यू है। ओ बाबा, मैडम लेट बच कर लेट चाय बोले चाय गरम Thank you.
देखो रे बाप रे बाप।